अस्सलाम वालेकुम। आज जिस रेसिपी के साथ मैं आप लोगों के सामने आई हूँ वो है करेले, कीमा और चने की दाल। इसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए करेले मैंने लिए हैं 1 किलो, और जो है वो टमाटर मैंने लिए हैं 1/2 किलो, और प्याज मैंने लिए हैं तकरीबन 1 पाव, और 3 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, आपसे ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो है वो स्पाइसेस नोट कर लीजिए। इसके लिए जो स्पाइसेस मैंने लिए हैं, नमक मैंने लिया है इसके लिए 1 टेबल स्पून, लाल मिर्ची पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, और जो है वो हल्दी पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, और धनिया पाउडर भी 1 टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा जो लहसुन पाउडर लिया है वो भी 1 टेबल स्पून है, और जो अदरक पाउडर लिया है वो भी 1 टेबल स्पून है। सौंफ मैंने लिया है 1 टीस्पून, और ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून, और इसके अलावा जो है वो साबुत गरम मसाला मैंने इसमें लिया है, 4 काली मिर्चें ली हैं, 5 लौंगे लिए हैं, 1 जो है वो बड़ी इलायची ली है, और मेथी दाना लिया है 1 टीस्पून, कलौंजी लिया है 1/2 टीस्पून, और ये इमली है, इमली जो है वो मैंने ली है 1 टेबल स्पून। इसको आपने पानी में भिगो के रखना है, इसका हम जो है वो पेस्ट यूज़ करेंगे। और ये है चीनी, चीनी मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है, तकरीबन 1 कप है ये, 1 पाव चने की दाल मैंने यहाँ पे यूज़ की है। और जो कीमा मैंने लिया है यहाँ पे वो 1/2 किलो कीमा यूज़ किया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना ये है कि जो करेले हैं वो मैंने इस तरह से काट लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से करेले काट लिए हैं, उसके सीड्स अलग कर दिए हैं। इन करेलों के अंदर 4 टेबल स्पून हल्दी, 4 टेबल स्पून नमक और 4 टेबल स्पून सिरका डाल के आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और 1/2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1/2 घंटे के बाद अब ये जो करेले हैं इनको मैंने अच्छी तरीके से पानी से धो के सूखने के लिए रख दिया इस तरह छन्नी में, ताकि इनका तमाम पानी जो है वो सूख जाए और बिल्कुल ये ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब देखें, 1/2 घंटे के बाद जब करेले ड्राई हो जाएं तो इस तरह आप कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें करेले डालना शुरू करेंगे ताकि वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएँ। ये देखिए करेले फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह से इनकी शक्ल आ जाएगी। ये करेले बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम कीमे में ऐड करेंगे, उनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और साथ ही चने की दाल हम ऐड कर देंगे। अब आपने करना ये है कि 1/2 कप ऑयल इसके अंदर डालना है, वही ऑयल लेना है जिसके अंदर आपने करेले फ्राई किए हैं, और इसके अंदर जो है वो प्याज डाल देनी है। जब प्याज जो है वो गोल्डन फ्राई हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज जो है फ्राई हो गई है, अब इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे। ये देखिए कीमा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और जो टमाटर और हरी मिर्चें हैं वो ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड करके इसको मैं अच्छे तरीके से चलाऊंगी। ये देखिए तमाम स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं, अब इसको अच्छे तरीके से चलाएँगे, और हल्का सा 1/2 कप पानी डाल के इसको हम ढक देंगे 1/2 घंटे के लिए, ताकि कीमा अच्छी तरीके से पक जाए। देखिए 1/2 घंटा हो चुका है कीमे को, इसका पानी भी तकरीबन सूख रहा है, थोड़ी सी इसमें कसर है। अब इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे, ताकि जो इसके टमाटर हैं और जो पानी है वो अच्छी तरीके से सूख जाए। इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे मज़ीद 10 मिनट तक, ताकि इसका रोगन जो है वो ऊपर आ जाए और तमाम पानी जो है वो सूख जाए। ये देखिए 10 मिनट के बाद ये अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसको ऑयल नज़र आ रहा है और पानी भी सूख गया है। अब इसके अंदर हम करेले फ्राई करने के बाद ऐड करेंगे। ये देखिए इसके अंदर अब मैंने जो है करेले ऐड कर दिए, चने की दाल ऐड कर दी है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे स्लो आंच पे, और फिर सर्व कर देंगे। इसमें जो चने की दाल मैंने ऐड की है वो आप बॉईल कर लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे, ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।